विश्वविख्यात एमएस यूनिवर्सिटी शहरी सौ प्रथम वाईफाई यूनिवर्सिटी बनी रही छे। एमएस यूनिवर्सिटी में आज की वाईफाई सीस्टम की शुरूआत कराई थी। एमएस यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर डॉक्टर योगेश सिंह, स्टूडेंट डीन सहित प्राध्यापकों की हाजरी में वाईफाई सीस्टम ने कार्यरत करवामावी हती। एमएस यूनिवर्सिटी में वाईफाई शुरू थता यूनिवर्सिटी नु कैम्पस हवे वाईफाई बनी रह्यु हतु। नहीं, एक बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि जो वाईफाई इनेबल्ड कैंपस का हम सबने सपना देखा है उसका आज एक स्टेप पूरा हुआ है और ऐसा लगता है कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर बाकी जो जगह है वो भी पूरी हो जाएंगी। वहाँ टेस्टिंग का काम चल रहा है तो फेज वन हमारा पूरा होगा और अप्रैल से हम फेज टू में शुरू होंगे और बहुत जल्दी ही पूरी यूनिवर्सिटी हमारी वाईफाई होगी, जिससे हम एक अच्छा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को देंगे। उस दिशा में एक प्रयास है। देखिए, पूरा कैंपस तो इस साल के अंत तक ही हो पाएगा, फेज वाइज हम जा रहे हैं। तो अभी ये जो फेज है ये मार्च में पूरा हो जाएगा और अगले 6 महीने में सेकेंड फेज पूरा होगा। इससे देखिए, ये तो एक ऐसा हमने सड़क जैसे बना के किसी को दी जाए, आगे फायदा तो लोगों ने उठाना है। हर बच्चा अपने हिसाब से एक्सप्लोर करेगा, कहीं पर हमारी इच्छा है कि वो पेड़ों के नीचे बैठ के भी करें, कॉरिडोर्स में भी बैठें, जहां भी बैठना चाहते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं भी एक्सेस होगी। और आज के टाइम में हर कैंपस को जो होना ही है वाईफाई, अब नहीं होंगे तो 2-4 साल बाद होना होगा। जितना जल्दी हम फैसिलिटी बच्चों को देंगे उतना ही वो उससे ट्यून्ड होंगे और ज्यादा कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैं मानता हूं, देखिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनी नहीं जिसका मिसयूज ना हो, लेकिन हमें यूज की तरफ ही देखना चाहिए। अच्छा देखेंगे तो अच्छा ही निकलेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि रिस्क हर चीज में है, लेकिन रिस्क के साथ ही तो जिंदगी चलती है। रिजल्ट का सभी कुछ डिजिटल हो गया है, कंप्यूटराइज से, एमकेसीएल सिस्टम से। तो उसके लिए स्टूडेंट को यह है कि बार बार एडमिशन के समय उसका सब्जेक्ट कलेक्शन क्या था, कहाँ पर क्या टाइम टेबल है, क्या उसका एप्लीकेशन नंबर, पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी। फिर एग्जाम के दौरान टाइम टेबल है, रिजल्ट जब आते हैं तो रिजल्ट में उसका किस सेमेस्टर में कितना स्कोर है, कौन कौन से पेपर उसने ऑप्ट किए, वो ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट कंप्यूटराइज्ड है। तो स्टूडेंट कभी भी यहाँ आके उसको एक्सेस करेगा, देखेगा। फिर इसके अलावा जैसे जो बाहर से लोग आते हैं जानने के लिए कि हमारी फैकल्टी में कौन कौन से कोर्स रन करते हैं, सेल्फ फाइनेंस में, रेगुलर में, क्या हमारा एडमिशन का क्राइटेरिया है, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। माना जा सकता है कि पहले जो दिक्कतें आती थी स्टूडेंट्स को भी नहीं आएंगी? बहुत कम हो जाएंगी। और इसके अलावा जो एडमिशन के समय कुछ ऐसे लोग आते हैं कि भाई जिनको एप्लीकेशन फाइल करनी है लेकिन कहीं कंप्यूटर नहीं है, तो वो हमारे यहाँ आ सकते हैं, उनको हमारे लोग हेल्प करेंगे एप्लीकेशन भरने में। तो ये पूरा स्टूडेंट के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड किए थ्रू आउट द ईयर चलेगी। कैंपस वाईफाई थता विद्यार्थियों में पण खुशीनी लहर फैलाई गई थी। विद्यार्थियों वाईफाई सिस्टम ने आवकारी अभ्यास में सरलता थशे तेवो विश्वास व्यक्त कर्यो हतो। वाईफाई चालू थी गयु तो बधाने आम पासवर्ड ने बधु आप्यु छे, एनाथी एक फायदो छे के बधाने स्टडी में खासी हेल्प थशे के अमे लोकोने ई मेगेजीन के अमारा कोईपण पीडीएफ के कशु ऑनलाइन डाउनलॉड करो तो इजीली थई शके छे। ने आजे तो हवे बधा पासे ऑलमोस्ट स्मार्टफोन होय छे तो ए लोकोने बधी जग्याए लेपटॉप्स के कई लई जवानी जरूर भी नथी पड़ती। फोन में जे लोको आम इजीली बुक्स एमनी वाँची शके छे, देन अमे बीसीए में छे तो अमने लोकोने वाईफाई मळे छे तो इजीली अमे लोको सॉफ्टवेयर डाउनलॉड भी करी शकीए छे। अने गैरफायदो शुं छे? એનો મિસયુઝ વધારે થઈ શકે છે, કેટલા સ્ટુડન્ટ છે તે લોકો ઉપયોગ કરવાને બદલે બીજા ટાઈમપાસ વધારે કરી શકે છે, યુટ્યુબ પર મૂવીઝ જોઈને કે બહુ બધી રીતે મિસયુઝ કરી શકે છે. ઇઝીલી મળી જશે, જો આજકાલ 21st century છે તો બધું જ તમને ઇન્ટરનેટ પર મળી રહે છે, એટલે તમે કોઈ પણ ટોપિક સર્ચ મારો તો ડિરેક્ટલી તમને બહુ જ બધી જાણકારી મળી રહેશે. જે લેક્ચરર્સ બી એવું કહે છે કે નેટ પર રિફર કરી લો તો અમે લોકો ઇઝીલી એ બધી વસ્તુઓ હવે કરી શકીએ છીએ. જ્યારે સાયન્સ ફેકલ્ટી ખાતે પણ સુવિધા કેન્દ્રની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. વિદ્યાર્થીઓને પડતી અગવડતા દૂર કરવાના હેતુ સાથે શરૂ કરવામાં આવેલ સુવિધા કેન્દ્રમાં વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ, પરીક્ષા સહિતની તમામ બાબતોની માહિતી સુવિધા કેન્દ્ર ખાતેથી ઉપલબ્ધ કરાશે, જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં ખૂબ જ સરળતા થશે.